हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ज्योति मेकिंग में। मैं ज्योति आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ नारियल की लड्डू कैसे बनाया जाता है। नारियल दूध और चीनी का लड्डू कैसे बनाया जाता है, आज मैं आपको लड्डू बनाना बताऊँगी। ये मैं 1.5 लीटर दूध ली हूँ, 1 नारियल को कद्दूकस करके ली हूँ, 2 इलायची और ये 1/2 kg मैं चीनी ली हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करती हूँ लड्डू बनाना। ये देखिए दोस्तों, ये मैं चूल्हे पर एक कढ़ाई रख दी हूँ, इसमें मैं अब दूध छान के डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से उबाल लेती हूँ। पहले आज मैं आपको चूल्हे पर लड्डू बनाना बता रही हूँ, आज मैं गैस पर नहीं बना रही हूँ, आज मैं आपको चूल्हे पर लड्डू बनाना बता रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये दूध अच्छी तरह से उबल चुका है। अब मैं इसे 1-2 मिनट तक और उबाल लेती हूँ। ये मैं दूध को 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल ली हूँ। अब मैं इसमें नारियल ऐड करती हूँ। ये मैं कस करके ये नारियल को मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मैं मिला देती हूँ। इसे मैं 5 मिनट तक ऐसे ही मीडियम आंच पर पका लेती हूँ। ये मैं 5 मिनट तक दूध और नारियल को अच्छी तरह से उबाल ली हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह से ये नारियल इसमें उबल चुका है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करती हूँ। चीनी आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। मैं 1/2 kg इसमें चीनी डाल रही हूँ, आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा आपको जितना मीठा पसंद है आप उस हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हैं। मैं इसमें 1/2 kg चीनी डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से ऐसे करके मैं मिला देती हूँ। और इसे मैं मीडियम आंच पे, इसे तेज आंच पे नहीं पकाना है, इसे मीडियम आंच पे मैं 15 से 20 मिनट तक इसको मैं मीडियम आंच पे पका लेती हूँ। इसे तेज आंच पे पकाने से क्या होगा, लड्डू ख़राब हो जाएगा, अच्छा से नहीं बनेगा। अब मैं इसे 15-20 मिनट तक ऐसे ही मीडियम आंच पे पकाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसा बना है 15-20 मिनट। देखिए दोस्तों, ये मैं 5-6 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर पका ली हूँ, आप देख सकते हैं। आज मैं आपको चूल्हे पर लड्डू बनाना बता रही हूँ। ये देखिए आंच को कैसे रखना है। ये देखिए, ये आंच मैं ज़्यादा तेज़ नहीं रखी हूँ, बस मीडियम करके रखी हूँ। बस आप इसी तरह, यदि आप गैस पर बना रहे हैं तो गैस को मीडियम रखिए, चाहे चूल्हे पर बना रहे हैं तो आँच को इस तरह से रखना है। और इसी तरह से मैं 15-20 मिनट तक इसे पका लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ ये कैसा बना है। ये देखिए दोस्तों, ये 20 मिनट ये हुआ है, देखिए किस तरह से ये लड्डू हमारा बना है। 20 मिनट तक मैं इसे मीडियम आंच पर पकाई हूँ। ये देखिए इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, इसमें 5-7 मिनट और लगेगा। इसे ऐसे ही चलाते हुए 5-7 मिनट तक और इसे मैं पका लेती हूँ एकदम लो आंच पर, ज़्यादा आंच नहीं देना है, नहीं तो इसमें ज़्यादा पाक लग जाएगा तो लड्डू ये नहीं बनेगा। इसलिए मैं इसे ऐसे ही चलाते हुए 5-7 मिनट तक और पका लेती हूँ। ये देखिए, आंच को मैं ज़्यादा तेज़ नहीं रखा हूँ, बस इस तरह से आँच को रखा हूँ। आप भी इसी तरह से रख के बनाइए, यदि आप गैस पर बना रहे हैं तो लो करके रखिए, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। इसे आप ऐसे ही चलाते रहिए और साइड साइड से भी इसको ऐसे लेते रहिए, नहीं तो ये क्या होगा, साइड में ये सूख जाएगा। इसलिए आप ऐसे ही चलाते हुए ये चारों साइड से इसको ऐसे करके बीच में डालना है और फिर ऐसे करके मिलाते जाना है। ये मैं 3 मिनट तक इसे पका ली हूँ और मैं 2-3 मिनट इसे पकाऊँगी।
ये देखिए दोस्तों, ये मैं 5-7 मिनट तक इसे और पका ली हूँ एकदम लो आंच पर। ये देखिए किस तरह से ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, आप देख सकते हैं कढ़ाई ये छोड़ने लगा है। ये लड्डू हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब ये लास्ट में मैं इसमें इलायची पाउडर डालूँगी। ये जो मैं इलायची पाउडर कूट के रखी थी इसे मैं अब डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर से ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, लड्डू बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसे चूल्हे पर से नीचे कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद ही मैं इसे लड्डू बनाऊँगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ठंडा ये लड्डू ठंडा हो चुका है। मैं इसको इस तरह से छलनी की सहायता से इसे कढ़ाई से ऐसे ऐसे कर देती हूँ। ऐसे करके मैं कढ़ाई से अलग कर देती हूँ और ये ठंडा भी हो चुका है। और कितना अच्छा इसका कलर भी आया है, ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा कलर आया है। इसको पूरी अच्छी तरह से ठंडा नहीं करना है, इसको हल्का गर्म ही ऐसे करके निकाल लेना है, नहीं तो ये पूरी ठंडा हो जाएगा, ये कढ़ाई से जल्दी अलग नहीं होगा। इसलिए हल्का गर्म ही इसको कढ़ाई से ऐसे करके अलग कर दें। और ये देखिए इस तरह से ये बन चुका है। अब मैं इसमें ये मैं थोड़ा सा पानी ली हूँ और इस पर हल्का ऐसे करके छींट के दोनों हाथों से इसको ऐसे करके मसलना है। ये गर्म है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ही मिला रही हूँ, नहीं तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो बनाने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं इस तरह से हल्का गर्म में ही थोड़ा थोड़ा पानी मिला के ऐसे करके मैं बना लेती हूँ। ये देखिए, और इसके ऐसे करके बना लेना है, ऐसे अंगूठा से इसको दबा देना है। इस तरह से मैं इसको ऐसे बना के रखती हूँ। फिर मैं इसे ऐसे में, आप चाहे तो इसे गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे पेड़ा का शेप दे रही हूँ। इसे ऐसे अंगूठा से दबा के इसे पेड़ा का शेप दे रही हूँ। फिर मैं थोड़ा सा हाथ में ऐसे करके ले ली हूँ और इसे दोनों हाथों से ऐसे करके मैं मसल मसल के, गर्म है इसलिए पूरे को मैं नहीं मिला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथों में लेके दोनों हाथों की सहायता से इसको मसल मसल के आटा की तरह इसको देखिए कितना सॉफ्ट मैं बना चुकी हूँ, कि कितना सॉफ्ट बन चुका है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे करके तोड़ लेती हूँ। आप जितना बड़ा साइज में चाहे तो उतना बड़ा साइज में आप बना सकते हैं। इतना इतना मैं तोड़ ली हूँ इसको और ऐसे करके, और मैं इसे अंगूठा से ऐसे दबा के मैं पेड़ा का सेब इसे दे रही हूँ। इसी तरह मैं सारे लड्डू को बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ से ये कैसा सुंदर सा नारियल का लड्डू या नारियल का पेड़ा बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर सा ये लड्डू बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये मैं सारे लड्डू को बना के कंप्लीट कर ली हूँ। ये मैं कुछ को पेड़ा शेप दी हूँ और कुछ को मैं ये लड्डू शेप दी हूँ। आप भी जो डिजाइन आपको पसंद है आप वो डिजाइन में इसको शेप दे सकते हैं। ये लड्डू हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना सुंदर सा बना है। ये देखिए कितना सुंदर, जितना ही सुंदर ये बना है उतना ही सुंदर ये खस्ता है। ये देखिए एकदम पेड़ा की शेप ये बना है, इतना ही सुंदर इसका स्वाद भी है। आप भी एक बार बनाइए और ट्राई कीजिए, उसके बाद आप बताइए कितना सुंदर ये बना है लड्डू। ये मैं लड्डू को भी बनाई हूँ, ये देखिए कितना सुंदर सा ये लड्डू बना है। आप भी एक बार बना के ट्राई कीजिए, उसके बाद आप बताइए कितना सुंदर सा ये लड्डू बन के हमारा तैयार हुआ है। यदि आपको ये मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी रेसिपी या कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू आपको मेरा वीडियो देखने के लिए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.